नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वर्ष 2023 के लिए वृष राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थस्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थस्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। यह राशिफल कुछ बिंदुओं के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी बिंदुएं आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। स्वास्थ्य, घर परिवार, परीक्षा या प्रतियोगिता, नौकरी या व्यवसाय, धन संपत्ति, यात्रा, प्रवास या तबादला, धार्मिक कार्य या कोई उपाय। यदि आपका नाम छोटी ई, छोटा उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे अथवा वो से प्रारंभ हो रहा है तो आप निश्चित रूप से वृष राशि के जातक हैं। और यदि आप वर्ष 2023 के लिए अपना राशिफल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए अब इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2023 के लिए वृष राशि का संपूर्ण राशिफल जानते हैं। स्वास्थ्य, वर्ष 2023 में वृष राशि के जातकों के लिए मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा उदर विकार का भी कारण बनेगा, जैसे कब्ज, पित्त, ज्वर आदि से भी आपको कष्ट हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको कोई बड़ी समस्याएं वर्ष 2023 में आने वाली दिखाई नहीं दे रही हैं। घर परिवार, वर्ष 2023 में वृष राशि के जातकों के घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। इसके अलावा इन्हें अर्थात वृष राशि के जातकों के लिए अपने पारिवारिक क्षेत्र में विवाह संबंधी दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ सकता है। वर्ष के प्रारंभ में लगभग 2 से 3 महीने तक आपको संतान पक्ष से चिंता बढ़ सकती है, उन्हें कोई परेशानी हो सकती है। परीक्षा अथवा प्रतियोगिता, वर्ष 2023 स्कूल अथवा कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए बिल्कुल सामान्य रहेगा। बहुत अधिक सफलता की भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है और बहुत अधिक असफलता की भी आशंका नहीं है, उनका स्तर सामान्य बना रहेगा। लेकिन यदि आप किसी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वर्ष संघर्षशील होगा। आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तभी आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। वैसे सफलता की संभावना वर्ष 2023 में कम ही प्रतीत हो रही है। नौकरी अथवा व्यवसाय, वर्ष 2023 में आप अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले अपनी सूझबूझ से आगे निकल जाएंगे। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो प्रशासक वर्ग का अति विश्वासपात्र बनने का मौका आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ सहकर्मी से तनाव बनेगा। यदि आप अपने से उच्च अधिकारी के विश्वासपात्र बनेंगे तो आपके सहकर्मी को आपसे जलन हो सकता है। पुरानी या कम उपयोगी संपत्ति का नए ढंग से उपयोग करने पर सक्रियता से विचार होगा। नए मकान, दुकान की खरीदी का योग बन रहा है। वर्ष के उत्तरार्ध में संपत्ति एवं यंत्रों की मरम्मत आदि पर व्यय भार बढ़ सकता है। यदि आप एक कृषक हैं तो कृषि के कार्यों में आपको वर्ष 2023 में विशेष सफलता प्राप्त होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हैं तो राजनीति में भी उन्नति के अवसरों में वृद्धि प्राप्त होगी तथा कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। यह वर्ष उत्पादन इकाइयों से जुड़े व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उत्साहवर्धक व अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। नई तकनीकी से उत्पादन बढ़ाने का भी विचार मन में उत्पन्न होगा और यह सफल भी होगा। धन संपत्ति, वर्ष 2023 में वृष राशि के जातकों के लिए धन संपत्ति में वृद्धि की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। यदि व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो उनको व्यापारिक लाभ प्राप्त होगा। यदि नौकरी के क्षेत्र में हैं तो नौकरी में हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, जिससे उनकी पदोन्नति होने के कारण जो भी सैलरी बढ़ती है वह सैलरी बढ़ जाए। कुछ नई संपत्तियां खरीदने का भी योग बन रहा है। यात्रा, प्रवास या तबादला, यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपको अपने घर के आसपास अर्थात घर के निकट आने का आपको प्रबल योग बन रहा है। आप स्थानांतरित होकर के आप अपने घर के आसपास आ सकते हैं। यदि आप व्यावसायिक क्षेत्र में हैं तो आपको व्यावसायिक प्रवास करना पड़ सकता है। वैसे इस वर्ष आपके लिए धार्मिक यात्रा का योग बहुत ही कम बन रहा है। कोई धार्मिक कार्य अथवा उपाय,
यदि आप वर्ष 2023 में अपने खराब ग्रहों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं तो आपको कोई धार्मिक कार्य अथवा उपाय भी करना चाहिए। आप अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करके उसकी पूजा करिए, दुर्गा जी का पूजन कीजिए, अपने इष्ट देव की उपासना कीजिए एवं फलदार वृक्षों का अधिक से अधिक रोपण कीजिए। यह आपके लिए लाभदायक होगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ष 2023 के लिए वृष राशि का संपूर्ण राशिफल प्रस्तुत किया गया। मैं आशा करता हूं कि यह राशिफल आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह राशिफल पसंद आई हो तो समस्त वृष राशि के जातकों तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइए, जिससे कि उन्हें भी वर्ष 2023 के लिए अपना राशिफल प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर अगली राशि अर्थात मिथुन राशि की संपूर्ण राशिफल लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।